Please subscribe my YouTube channel, Seekho Jano, and press the bell icon. कंप्यूटर बूटिंग एक ऐसा शब्द है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करने वाला तकरीबन हर कोई परिचित होगा, लेकिन अगर आप इससे अनजान हैं तो यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर बूटिंग और इसके प्रकार के बारे में बता रहे हैं। कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते समय बूटिंग या बूटेबल शब्द अक्सर आपने सुना होगा। यहाँ हम आपको सबसे पहले इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय सीपीयू का BIOS BIOS जिसे कहते हैं हम मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर भी रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो BIOS बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। सबसे पहले फर्स्ट बूट डिवाइस, फिर सेकंड बूट डिवाइस, इसके बाद थर्ड बूट डिवाइस, और अगर इसमें भी बूटिंग फाइल ना मिले तो बूट डिवाइस BIOS को जिसमें भी पहले बूटिंग फाइल मिल जाती है वह उसी से कंप्यूटर को बूट करा देता है और कंप्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। जो उपभोक्ता CD या DVD में विंडोज इंस्टॉल करते हैं वह फर्स्ट बूट डिवाइस के तौर पर CD-ROM को सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हर किसी CD में BIOS कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता। इसके लिए CD या DVD का बूटेबल होना जरूरी है। बूटेबल होने का मतलब है उसमें बूटिंग फाइल होना चाहिए जिससे BIOS उसे पढ़ सके। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है तो आपको इंसर्ट बूट मीडिया डिस्क का एरर दिखाई देगा। एरर आपको तब भी दिखाई दे सकता है जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में बूट न ले रहा हो। बूटिंग के प्रकार, कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, जब आप CPU में कंप्यूटर का पावर बटन या स्टार्ट बटन प्रेस कर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग, कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में कीबोर्ड के द्वारा अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाकर या फिर रिस्टार्ट बटन का उपयोग कर या फिर पावर बटन को लैपटॉप या CPU के पावर बटन जिससे कंप्यूटर ऑन होता है उसको बहुत देर तक प्रेस कर रिस्टार्ट किया जाता है, उसको वार्म बूटिंग, इसे रीबूट भी कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर बूटिंग के बारे में कुछ नॉलेज मिल गई होगी।